साथियों, और एक विषय बहुत गंभीर है। पिछले 9 महीने से, जब से हमारे दामाद को नाजायज तरीके से फंसाया गया, 8.5 महीना जेल में रहकर आया और 12 अक्टूबर को कोर्ट के आदेश में स्पष्ट हो गया कि धाराएं गलत तरीके से लगाई गई और हम उसको लेके हाई कोर्ट में मामला निरस्त करने के लिए जाएंगे। आगे कानूनी लड़ाई है, वो लड़ेंगे। लेकिन पिछले लगभग 10 महीने से भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, नवाब मलिक ड्रग के कारोबार से जुड़ा हुआ है, उनका दामाद जेल में है, और कोई ऐसा नेता नहीं था जिसने इस तरह के बयान नहीं दिए। लेकिन बहुत सारे नेता ऐसे हैं महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के, जिनका ड्रग के कारोबारियों से घनिष्ठ रिश्ते हैं। आज सभी नामों की चर्चा नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति है जयदीप राणा। मैंने अपने ट्विटर पे उसका फोटो डाला है।